नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आप सभी को परीक्षा प्लस टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के तरफ से बोला गया था कि 15 तारीख को, ठीक है, वो 15 बीत गया और ये 15 आ गया, है ना। तो ओवरऑल एक महीने बीत गए हैं और अभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन, चाहे हमें एक तरह से बोला जाए एजेंसी के लिए जो टेंडर होता है, खासकर कांस्टेबल के लिए, नहीं देखने को मिला है, ठीक है। और जो टेंडर पहले भी पास किया गया था, जैसे मैं बात करूं, काफ़ी बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं सर कुछ बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी भर्ती कब आ रही है, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा, क्या एजेंसी फाइनल हुई या अभी भी वही है कि टेंडर कैंसिल हो रहा है और फिर टेंडर निकाला जा रहा है। उसके बाद से टेंडर का जो सिलसिला था वो तो बाद में दिखा नहीं वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पे, लेकिन अगर फाइनल हो गई तो एटलीस्ट कुछ तो नोटिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन इसी दरमियान एक FAQ अपडेट किया गया है वेबसाइट पर, आप जब देखोगे जाकर, यहां कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बच्चों के, उसी प्रश्नों का जवाब इन्होंने FAQ के माध्यम से दिया है। और प्लस इन्होंने ये भी कहा कि एक ट्यूटर हैंडल स्टार्ट किया गया UPPRPB की तरफ से ऑफिशियली, और कहा गया कि जो भी चीजें होंगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, वो आपको उस ट्यूटर के थ्रू पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो चीजें आपको वहां से दी जाएंगी। तो अगर मैं आपके FAQ की बात करें, जो प्रश्न है आपके यहाँ पर देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनमें से निष्कर्ष निकलता है कि आपके जो एग्जाम है, अगर रेडियो ऑपरेटर की बात करें, चाहे जो भी आगामी नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देखोगे, हाँ, जैसे यहाँ पर बोला है उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर, उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी होगा। दूसरा प्रश्न आप जब इसका आंसर देखोगे ना, यहां देखिए बोला गया चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है, सिर्ध जारी कर दिया जाएगा। अब कब ये शीघ्र जो है, शीघ्र का मतलब अब पता नहीं, हम नहीं समझते हैं या आप लोग नहीं समझते हो या आयोग नहीं समझता है, शीघ्र किसे कहा जाता है, तो ये कब जारी किया, कह दिया गया है कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, ये बातें बोली गई हैं। दूसरे प्रश्न पे अगर हम बात करें यहां पर, हाँ, यहां पर हम बात करें उपनिरीक्षक SI वाला, अगर हम बात करें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की कुल 3269 पद जो है वो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 29 पद भर्ती हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। SI के लिए इतने आपके पोस्ट के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है। भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, मतलब विज्ञापन आपका और कैलेंडर जो है वो जल्द ही जल्द जारी किया जाएगा। अधिकतम सूचना के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सेवा प्रोन्नति बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट UPPRPB पे आप विजिट करते रहिए, यही बोला गया है। आप मैक्सिमम कई बार जो बच्चे हैं रेडियो ऑपरेटर के, तो हमको लग रहा है दिन में 4 बार बेचारे खोलते हैं, लेकिन कुछ भी अभी आता पता नहीं है, कितना एक ही एग्जाम को लेकर वो तैयारी करते रहे, कब होगा कब होगा, अभी एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिर इनका बहुत ज़्यादा लेट लपाट होता है, तो वो सब चीज़ें बहुत गलत हैं। इनको जल्दी से जल्दी ये सब चीजों को सही करना चाहिए। हाँ, अब बोला है 6वां नंबर प्रश्न, पुलिस आरक्षक के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो आप देख रहे हो आरक्षक नागरिक पुलिस के 41,811, PSC में 10,984, आप यहां पर देखो 40, 10, 50, ठीक है, 50 और 9, 8, 17, 50 के ऊपर ये अब चला गया, फायरमैन के 1,000, 2,000 ये भर, मतलब और बढ़ गया है। ओवरऑल देखो ये 1,300 हो गया, ये आपका दो, मतलब एक ऑन अप्रोक्स मान लो इसको 3,000, एक 4,000, एक 5,000, 15,000 ये 15, एक 16,000, ठीक है, और यहाँ 40, 40, 10, 50 से
56,000 के आसपास, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा प्लस ही मानो 57 के आसपास, और 700 ये भी तय है 57,000-58,000 ऊपर ओवरऑल अगर हम बात करें 58,000 के आसपास ये भर्ती है, ठीक है आप देख रहे हो। तो वो कब होगा, परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, इसका भी कैलेंडर तैयार हो रहा है और परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा, ठीक ये ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है। अभी इनका भी कैलेंडर तैयार हो रहा है और जल्द ही आपको इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। मतलब जो कांस्टेबल वाली थी एक बार पूरे उस पर छा गया था कि ये आ रहा है, इसका अधियाचन वो नोटिफिकेशन आ रहा है और वो डेट से आज के डेट तक 1 महीने हो चुके हैं। अब उसके बाद से और बात किया जाए तो ये ट्यूटर वाला तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो भी चीजें होंगी वो यूपी पीआरपीबी का एक ट्यूटर हैंडल शुरू किया गया, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर की। अभी इस एफएक्यू में कंप्यूटर ऑपरेटर का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि थोड़ा अगर हम बात करें कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जनसंख्या है ना वो कम हो जाती है इस वजह से, लेकिन आएगी जब सब कुछ आएगा, जब कैलेंडर तैयार हो रहा है तो ऐसा बात नहीं है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का कैलेंडर नहीं तैयार होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती उसी कैलेंडर में होगी अगर ये कैलेंडर तैयार कर रहे हैं जैसा इन्होंने यहां पर बोला है। रेडियो विभाग कर्मशाला कर्मचारी सहायक परिचालक प्रधान परिचालकों की जो भर्ती है उसका क्या होगा, मतलब रेडियो ऑपरेटर वाला क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग के कर्मशाला कर्मचारी के 120 और इनके जो भी आपके पद थे यहां पर क्या बोला है, बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर में रेडियो विभाग के पदों पर भर्ती की परीक्षा को प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम कराए जाने का निर्णय लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, और आगामी 4 माह के अंदर परीक्षा संपन्न कराए जाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो इतना जान लो कि रेडियो ऑपरेटर के लिए थोड़ा सा संतोषजनक बात इन्होंने लिखी है, यह कहा है कि प्राथमिकता सबसे पहले यूपी पीआरपीबी की रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कराने का है, मतलब ओवरऑल 4 महीने के अंतराल में आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, सितंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब अभी भी कब होगा, या अक्टूबर में नवंबर में दिसंबर में या जनवरी में, मतलब इस दिसंबर से पहले पहले आपके एग्जाम कंडक्ट कराने कि एक तरह से बोला जाए जो है भर्ती बोर्ड ने बोल दिया है कि हम 4 माह के अंतराल में आपकी जो एग्जाम है आगामी 4 माह के अंदर परीक्षा संपन्न कराए जाने का उद्देश्य निर्धारित, सिर्फ परीक्षा अभी संपन्न होगा अगले 4 माह में, बाकी चीजें आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो यह ध्यान रखो, कम से कम इतने से संतोष जान लो कि अब आपके पास रिविजन जो 4 महीने आप यही मान के स्टार्ट कर दो अपनी रिविजन, ठीक है, कि 4 महीने बचे हैं, आप 4 महीने में जो पढ़ लिए हो कि चलो ठीक है 2 महीना ही मान के चाहे 3 महीना, आप ये सोचो कि जल्द ही एग्जाम होने वाला, आप रिवीजन पे लग जाओ, ठीक है। इतनी बात ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव, और जाहिर सी बात है प्रेशर भी है, इतने समय हो गए तो सबसे पहला एग्जाम जो होगा वो इसी का होगा। नोटिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर और जो आपका अगर हम बात करते हैं, ठीक है ये ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और कांस्टेबल, इनके नोटिफिकेशन हमको साथ साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। कांस्टेबल और इनके नोटिफिकेशन, हो सकता है कुछ समय के बाद एसआई वाला भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस यही है क्योंकि इसका भी टेंडर निकल चुका था और कांस्टेबल का टेंडर के साथ ही नोटिफिकेशन निकाला जा, या कंपनी फाइनल हो गई हो तो एक ही कंपनी हो सकता है करा ले, ठीक है, क्योंकि मोड तो सभी एग्जाम का एक ही रहने वाला है यूपी पीआरपीबी का हाइब्रिड मोड, तो जब कंपनी कोई फाइनल होगी तो जाहिर सी बात है वही सभी एग्जाम को कंडक्ट करा ले, ठीक। तो अभी उससे रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ऐसा लग रहा है कि अगर आप टेंडर फिर से नहीं आया है तो हो सकता है कि आपकी कंपनी फाइनल हो गई हो। अब कंपनी को भी जब फाइनल होने के बाद उसको समय चाहिए, क्वेश्चंस कलेक्शन ये सब चीजें उसको देखना होता है, एक एग्जाम कंडक्ट कराना है तो वो सब चीजों में भी टाइम लगता है, इस वजह से इसीलिए 4 महीने बोला गया है आपके रेडियो ऑपरेटर का। ये संकेत है कि कंपनी फाइनल हो चुकी है, ठीक है। तो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम
चार महीने के अंदर हो जाएगा। आप लोग एकदम तैयारी में जुट जाइए, कंपनी आपकी फाइनल हो चुकी है, और जब हो चुकी है तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं कि सर मेरी ये समस्या है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे टीम परीक्षा प्लस के द्वारा सभी कोर्सेज पर 80% ऑफ दिया जा रहा है। जिन्हें भी किसी कोर्स से जुड़ना हो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।